दोस्तों इंडिया ट्विटर पर अभी एक ट्रेंड कर रहा है रेंटल मुल्लाज, राइट। ये कौन है ये आप इन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं, इन्हें आप हर रोज इंडिया के प्रत्येक टेलीविजन चैनल पर इनकी शक्लें आप देखते होंगे, राइट। ये कुछ गिने चुने मौलाना है, गिने चुने लोग हैं जिन लोगों ने पूरी कम्युनिटी को, पूरी होल मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करके रखा हुआ है। वो क्यों रखा हुआ है मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता हूँ। इन लोगों को जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, इनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इनका नाम जानते ही नहीं होंगे। बस ये अचानक से पता नहीं किस दुनिया के कोने से, भारत के कोने से टेलीविजन पर आकर बैठ जाते हैं और इनको बताया जाता है मुस्लिम धर्मगुरु। जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक किसी व्यक्ति को आप ऐसा भी देखते होंगे कि उससे पहले आपने उसे देखा भी नहीं होता है, लेकिन वो आपका धर्मगुरु होता है एज पर दी मीडिया ग्रुप, राइट। तो दोस्तों ये चंद लोग हिंदू मुस्लिम नाम की डिबेट में हर रोज आपको किसी न किसी टेलीविजन न्यूज चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे मौलाना है, कुछ ऐसे चंद मौलवी हैं इस्लाम धर्म से जो अपने आप को बताते हैं कि ये बिलोंग करते हैं। ये लोग हर रोज आपको भारत के प्रत्येक टेलीविजन चैनल पर आपको लोगों पर चिल्लाते हुए, इंक फेंकते हुए, मारते हुए, गाली देते हुए और उकसाते हुए सुनते और देखते होंगे इन लोगों को। ये कौन है? ये दोस्तों है संघ के दलाल और बीजेपी के दलाल। इनको 5,000 रुपए देकर गोदी मीडिया अपने चैनलों पर बुलाती है और इनको बदले में देती है गालियां और ये बैठकर गालियों को सुनते हैं। दोस्तों 5,000 रुपए में ये कौम के रहनुमा बन के आ जाते हैं, विदाउट हमारे और आपके यू नो एक्नॉलेजमेंट के ये कौम के रहनुमा बन के आ जाते हैं, टेलीविजन पर बैठते हैं। और दोस्तों मजे की बात ये है कि हम और आप इन्हें कौम का रहनुमा मानते भी नहीं है, लेकिन ये होते हैं क्योंकि इनको वहां पर पैसा मिल रहा होता है। इन्हें आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, मीडिया के लोग खरीद कर लाते हैं, टेलीविजन न्यूज चैनल पर बैठा देते हैं। दोस्तों बदले में इनको मिलती है क्या? गालियां। आप देखते होंगे कि किस तरह से अर्ना बेन अदर्स भौंकते हैं इन लोगों पर, इन लोगों को गालियां बकते हैं, लेकिन ये लोग सुनते रहते हैं, राइट। इनको ह्यूमिलेट किया जाता है, इनके धर्म को, इनकी कास्ट को, इनके रिलीजन को खूब ह्यूमिलेट करते हैं टेलीविजन पर बैठकर। ये कुछ नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सुनते रहते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम कौम के रहनुमा हैं। दोस्तों इनके गाली खाने तक बात तो ठीक थी, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम होते हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो पूरी होल कम्युनिटी पे आते हैं, वो बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरेदार हैं। दोस्तों ये चंद मौलाना जो कि संघ और मीडिया के दलाल हैं, बीजेपी के दलाल हैं, ये आते हैं, ये टीवी टेलीविजन पर बैठते हैं और ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी के पूरे इंडिया में जो रहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चंद लोग ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देखिए भैया, मुस्लिम जो तुम्हारे समाज का है वो इस तरह से होता है। वो किस तरह होता है? वो इनकी तरह, इन मौलानों की तरह हिंसक होता है, गालियां बकता है, औरतों की इज्जत नहीं करता है, फप्तियां कसता है और दोस्तों हिंसक भी हो जाता है, मारपीट करने पर भी उतारू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी बातों में कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं होता है। ये इस तरह की इमेज पूरे मुसलमानों की रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत में जो बात है वो इस चीज के विपरीत है, इस चीज के उल्टे है। मुसलमानों में से अब्दुल कलाम आजाद आए हैं, अबुल कलाम आजाद आए हैं और बड़े बड़े सरसैयद जैसे लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े कौम के लोग आए हैं जो वो थे कौम के असली रहनुमा। लेकिन ये कुछ लोग जो गद्दार हैं, जो कौम के नाम पर 5,000 रुपए पर हार का, पर घंटे का लेते हैं डिबेट में आके, इन लोगों ने पूरी कौम का सत्यानाश कबाड़ा करके रखा हुआ है। ये लोग अपने आप को कौम का रहनुमा बोलते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, बिना हमारे और आपका कंसर्न लिए हुए बोलते हैं कि भैया हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। दोस्तों इन लोगों से आप सावधान रहिए, इन लोगों ने पूरी कम्युनिटी का सत्यानाश कर दिया है। पूरी कम्युनिटी को ऐसे पोर्ट्रे किए हैं बाहर जाकर के कि मुसलमान बिल्कुल उन्हीं के तरह होता है, मतलब हिंसक होता है, मिसोजिनिस्टिक होता है, गालियां बकता है, मारपीट करता है एंड उसकी बातों में कोई तर्क और लॉजिक नहीं होता। इस तरह की इमेज उन्होंने बाहर बना के रखी है जो कि इसके उल्टा है। दोस्तों इनकी एक घंटे की डिबेट में इनका तो काम हो जाता है, इनको 5,000 रुपए मिल जाते हैं, रोजी रोजी का इनका काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्या करके जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी कम्युनिटी को एक शक के घेरे में डाल के चले जाते हैं, पूरे समुदाय पर एक काला धब्बा लगा के चले जाते हैं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करके चले जाते हैं, उसे बिलिटिल करके चले जाते हैं, उसे नाले में ढकेल के चले जाते हैं ये लोग। और फिर दोस्तों पूरी कम्युनिटी को एक शक के नजर से देखा जाता है हर कहीं। दोस्तों इनको तो 5,000 रुपए मिल जाते हैं एक डिबेट का, लेकिन हमें और आपको क्या मिलता है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को क्या मिलता है जानते हो क्या? जिल्लत, धोखा, नफरत, हिंसा, ये मिलती है हमें, हमें हीन भावना मिलती है। आपने कभी सोचा है क्या? तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, इन लोगों से बाज आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी मौलाना इस तरह के होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चंद ही हैं वो इस तरह के होते हैं। वो 5,000 रुपए लेके जाते हैं, डिबेट करते हैं, पूरी कम्युनिटी का सत्यानाश कर देते हैं, उसको नाले में डूबो के, गंदे नाले में डूबो के चले जाते हैं। प्लीज इनसे सावधान रहिए, इन्हें एक्सपोज करिए और लोगों को बताइए कि ये हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं।
दो हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं अब्दुल कलाम सर सैयद, हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपके अब्दुल कलाम आजाद, राइट। ये लोग हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, और वो लोग भी हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो लाइमलाइट में नहीं होते हैं, उनकी रोजी रोटी मुश्किल से चलती है, राइट। लेकिन वो दीन के काम पे हैं, वो मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, राइट। उसको उम्मीद करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा इस चैनल पर, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज के बारे में आपको जागरूक करता रहूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, टेक केयर।